हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कार्डियो किचन में। मेरा नाम है मनीषा। आज हम बनाएंगे डेलेगोना कैंडी। यह वही स्क्विड गेम वाली कैंडी है। यह कोरियन की फेमस कैंडी है और इसको बनाने में 10 मिनट से भी कम का टाइम लगता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। लेकिन रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप इसे फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें। तो अब चलिए चलते हैं गैस की तरफ और इसको बनाना शुरू करते हैं। पैन को मैंने गैस पे रख दिया है। अब इसमें मैं डालूंगी शुगर। ये मैंने आधा कप शुगर ली है। इसको मैं इस तरह से स्टिक से फैला रही हूँ। आप चाहें तो स्पून का भी यूज़ कर सकते हैं। इसको हमें अच्छे से मेल्ट होने देना है। गैस की फ्लेम को अभी हम लो टू मीडियम रखेंगे। जैसे ही ये मेल्ट होने लगेगी हम गैस की फ्लेम को लो कर देंगे। ये देखिए मेल्ट होने लगी है। इसको हमें इस तरह से लगातार चलाते रहना है और ये मेल्ट होने लग जाएगी। इसको हमें तब तक मिक्स करना है जब तक शुगर अच्छे से मेल्ट ना हो जाए। ये देखिए धीरे धीरे मेल्ट होने लग गई है। ये देखिए पूरी तरह से मेल्ट हो गई है। इसमें अब कोई शुगर क्रिस्टल नहीं है। अब इसमें मैं डालूंगी बेकिंग सोडा। ये 1/4 टीस्पून है। बेकिंग सोडा डालकर इसको हम बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। गैस की फ्लेम को हमने बंद कर दिया है। ये देखिए ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसकी कैंडी बना लेते हैं। कैंडी बनाने के लिए मैं इस तरह से प्लेटफॉर्म का यूज़ कर रही हूँ। इसको हम थोड़ी थोड़ी दूरी पर डालेंगे। कैंडी बनाने के लिए हम पॉलीथीन का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करेंगे, नहीं तो कैंडी उससे चिपक जाएगी। इस तरह से हम फ्लैट सरफेस का यूज़ करेंगे। ये थोड़ी थोड़ी दूरी पर मैं इनको डाल रही हूँ। ये देखिए इन सभी को मैंने डाल दिया है। अब मैं इस तरह की एक प्लेट लूँगी। बिल्कुल फ्लैट हमें लेना है और इस तरह से इसको थोड़ा थोड़ा दबा देना है। अब इस तरह से मैं एक कटर लूँगी और इसको शेप दे दूँगी। इस तरह से कोई भी कटर आप यूज़ कर सकते हैं और कोई भी शेप इसमें आप दे सकते हैं। ये देखिए इसमें कितना अच्छा शेप आ रहा है। सभी को मैंने इस तरह से शेप दे दिया है। ये देखिए कितनी अच्छी ये देखने में लग रही है। इन सभी को अब मैं प्लेट में रख देती हूँ। ये देखिए सभी कैंडी बनकर तैयार हो गई है। ये देखिए कितनी अच्छी ये बनी है। ये देखिए कितना अच्छा इसमें शेप आया है। इसी के साथ डेलेगोना कैंडी बनकर तैयार हो गई है। होपफुली आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें और कमेंट बॉक्स में अपने व्यू जरूर शेयर करें। तो चलिए अब मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी ही एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।